नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल महिला संबंधी अपराध कम करने को लेकर पुलिस ने चलाया अभिमन्यु अभियान। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील मुलताई से। मुलताई पुलिस द्वारा चलाया गया भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेज में चलाया जागरूकता अभियान। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलताई में अभिमन्यु अभियान के तहत आज थाने में पुलिस कर्मियों सहित आम लोगों ने शपथ ली कि महिला अपराधों को कम करने में सभी सहयोग करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। टीआई प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान आगे आने वाले दिनों में जागरूकता फैलाते हुए लड़कों और पुरुषों को महू अभिमन्यु और महिला संबंधी अपराधों जैसे नशा, दहेज, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, असंवेदनशीलता, भ्रूण हत्या, अशिक्षा, लिंग भेद का विरोध करने और महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक किया। टीआई प्रज्ञा शर्मा ने कहा कि सभी को इस अभियान की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। आज लोगों को इस संबंध में शपथ दिलाई दी है कि सभी महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिला संबंधी अपराधों को कम करने में अपना सहयोग देंगे। ऊर्जा डेस्क प्रभारी अश्विनी चौधरी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के लड़कों एवं पुरुषों को न केवल महिला संबंधी अपराधों से अवगत कराना है, बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाकर पूर्वाग्रह से मुक्त कर उनमें सकारात्मक व्यवहार विकसित किया जाना है। महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का भी उद्देश्य इस अभिमन्यु अभियान के अंतर्गत रखा गया है। बैतूल से जिला ब्योमरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। परिचय दीजिए, आज जो आपने अभियान चलाया गया इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं महिला अमरावती निरीक्षक अश्विनी चौधरी, थाना मुलताई में ऊर्जा डेस्क संचालक का कार्यक्रम है। हमारे यहाँ जो आज 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगस्त में PH2 से अभी ऑपरेशन अभिमन्यु के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे टारगेट करते हैं प्लेसेस को, बस स्टैंड है, स्कूल है, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन्हीं निर्देशों का पालन में हम ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। आपने अभी स्कूली छात्र छात्राओं को, बच्चों को बताया गया है अभियान के तहत, क्या जानकारी दी गई है आपने उनको? ऑपरेशन अभिमन्यु में जो अभिमन्यु कौन है, उसकी क्या शपथ है, वो शपथ दिलाई गई उन्हें और उन्हें बताया गया कि उनके कर्तव्य क्या है और उन्हें समाज में अपने कर्तव्यों का किस तरह निर्वाह करना है। ठीक है, धन्यवाद।